फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो अभी अप्रॉक्स 8:30 बज रहे हैं और मैं रेडी हो गई हूँ और अभी हम जा रहे हैं गार्डन में थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो ये आ गए हम हमारे डेस्टिनेशन पर, गार्डन में। तो बस सबसे पहले तो हम गार्डन के अंदर गए और वहाँ पर हमने वॉकिंग किया और थोड़ा सा देखा कि इधर उधर क्या सारी चीज़ें हैं। तो हम अभी आ गए हैं ये वाले गार्डन में और बहुत मस्त गार्डन है ये। देखिए ये गार्डन में ना बीच बीच में इस तरह से बैठने के लिए भी है। पीछे भी 2-3 गए, नहीं शायद एक ही गया। फिर एक्चुअली गाड़ी की डिक्की में ना बॉल और रिंग पड़ा था तो हमने सोचा कि क्यों ना उससे भी खेले। एंड मुझे ना इस तरह से गार्डन में खेलना बहुत अच्छा लगता है। वैसे इस गार्डन का ना काफ़ी ब्यूटीफुल लुक है, मतलब काफ़ी ग्रीनरी है और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स भी है। ये आपको पता है हम क्या कर रहे हैं? हाँ, हम हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। एक्चुअली बचपन में मैं बहुत बार इस तरह से ग्रैंडपा के साथ हाइड एंड सीक खेलती थी और ग्रैंडपा ऐसी एक्टिंग करते थे कि उनको पता नहीं है कि मैं कहाँ पर हूँ, और उस वक्त मुझे ऐसा ही लगता था कि ऐसा ही है। तो बस जस्ट बचपन की यादें ताज़ा कर ली। ये ऐसा वाला हमारे पुराने, इससे अगले पुराना घर था वहाँ था। अच्छा, और थोड़ा बड़ा था। ओके, तो ऐसा बड़ा वाला ट्री हम इससे भी पुराने और इससे भी पुराने वाले घर में था। यस, और बहुत फूल होते थे इसमें। अच्छा, तो वो आई थिंक मैंने नहीं देखा होगा ना। ना ना, ये ऐसा फूल हम भगवान को चढ़ाते थे। अच्छा ओके, ये देखिए बहुत क्यूट फ्लावर्स है। तो ग्रैंडपा कह रहे हैं कि ऐसे फूल की ना माला बनाते थे और फिर वो भगवान को चढ़ाते थे। तो अभी हम बस इसी गार्डन में एक्सप्लोर हो रहे हैं थोड़ा सा। तो अभी हम एक्सप्लोर तो हो गए थोड़ा सा और हम जा रहे हैं कहाँ पर? एक्चुअली बर्ड्स को ना थोड़ा सा फूड खिलाने का हमने सोचा, तो हम बस वहीं पर जा रहे हैं। एक्चुअली ये गार्डन के नज़दीक में ही है, एकदम ही नज़दीक में। देखिए यहाँ पे कितने सारे बर्ड्स हैं। तो अभी हमने यहाँ पर बर्ड्स को थोड़ा सा फूड खिला दिया। आज तो मुझे बहुत ही मज़ा आया। आज तो काफ़ी मज़ा आया। हाँ, बहुत मज़ा आया मुझे भी। यस यस, एंड आई नो कि मम्मा ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। यस, बट आगे किसी का स्कूटर बीच में है तो हम शायद यहाँ से यू टर्न लेना पड़ेगा, रिवर्स नहीं आएगी शायद। तो यहाँ पर तो अभी स्कूटर है तो हमने अब सोचा कि रिवर्स ही ले लेते हैं। तो हम घर आ गए हैं और मेरे ऑनलाइन क्लासेस का टाइम हो गया, तो बस मैं उसकी प्रिपरेशंस कर रही थी। और फर्स्ट ऑनलाइन सेशन था इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स में ना टीचर ने इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए जिसके हमें 2-3 दिन में आंसर्स लिखने हैं। सो अभी मेरा एक ऑनलाइन सेशन और हो गया है एंड मैं आपको मिलती हूँ सारे ऑनलाइन सेशन अटेंड करने के बाद। ऑनलाइन क्लासेस के बाद ना मशीन ने अपने कपड़े धो लिए थे तो मैंने सोचा मैं सुखा कर ही ऊपर जाती हूँ। तो अभी हो गया है लंच का टाइम और आज लंच में क्या है मैं आपको बता देती हूँ। तो मम्मा आज लंच में क्या है? ओके, तो मूंग की दाल एंड राइस, ये है मेरा आज का लंच, साथ में बटर मिल्क और अचार। सो मैंने कर लिया है अपना लंच एंड अभी मैं करने वाली हूँ स्टडीज। सो जैसे कि आपको बताया कि मैं बिजनेस स्टडीज कर रही हूँ तो बस वही मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। अरे हाँ, सबसे पहले ना मम्मा ने मुझे कहा कि ये जो सारे क्वेश्चंस है ना वो मैं रिफर कर लूँ, तो मैं जब पढ़ूंगी ना तब मुझे एग्जैक्टली पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन है और मतलब माइंड में अच्छे से आएगा। तो बस मैं कर लेती हूँ पढ़ाई पढ़ाई एंड पढ़ाई। देखिए बुक की हालत क्या हो गई है। तो अभी मैं आई हूँ 5th चैप्टर पर एंड मैं करने वाली हूँ 5th चैप्टर को हाईलाइट क्योंकि वो मेरा बाकी है। तो मैंने 5th चैप्टर को हाईलाइट कर लिया है, मतलब मुझे जो लगा कि ये मुझे हाईलाइट करने जैसा है तो वो मैंने कर लिया है। तो पढ़ाई करते करते ना एक्चुअली मुझे और मम्मा को दोनों को थोड़ी सी भूख लगी थी, तो मम्मा ने कहा कि ना हम मंच ऊपर ही कर ले। ये है हमारा मंच, मैं आपको दिखाती हूँ नज़दीक से। ये है गेहूं की नमकीन एंड ये है मसाला टोमेटोज। सो अभी हम जा रहे हैं बाहर। बाहर हम किस लिए जा रहे हैं मम्मा? क्योंकि आप सब लोगों ने बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेन सजेस्ट किए थे, तो रिया ने कहा जो सब्सक्राइबर्स ने कहा है तो वो मैं ट्राई करना चाहूँगी। हाँ, इसलिए वो सब पेन लेने जा रहे हैं हम। यस, तो YouTube फैमिली मेंबर्स यानी कि अमेजन से कहा है तो ट्राई तो करनी होगी ना एक बार। तो
तो हमने सोचा कि बहुत सारे बैंड्स आप लोगों ने सजेस्ट की थी उसमें से मतलब बहुत से लोगों ने सिमिलर कही थी, तो उसमें से सॉर्ट आउट करके थोड़ी सी पेन है, तो फिर वो यहाँ पे भी कौन कौन सी मिलती है वो भी देखना पड़ेगा, तो जो मिलती है वो हम लेके आएंगे आज। हाँ क्योंकि एग्जाम्स है तो एग्जाम में राइटिंग की स्पीड तो बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, तो उसके लिए कौन काम करेगा, पेन काम करेगी, तो वही हम देखने। और हाँ, अभी जो मैं स्काई ब्लू कलर की पेन यूज़ कर रही हूँ ना, वो वैसे मुझे कंफर्टेबल लग रही है, और लाइक उसका ग्रिप और उससे हैंडराइटिंग भी अच्छा आ रहा है। बट फिर भी हाँ, उससे अगर बढ़िया मिल रही है एंड बेटर ग्रिप वाली मिल रही है तो सोचा कि देख लेते एक बार। तो हम बस यहाँ पर स्टेशनरी की शॉप में जा ही रहे थे कि हमें हमारे सब्सक्राइबर मिल गए। हेलो, आपका क्या नाम है? आरवी। ओके, और आप कौन से स्टैंडर्ड में है? सेकंड स्टैंडर्ड में। नाइस टू मीट यू। तो देखिए, ये है वो सब पेंस का लिस्ट, ये बहुत सारी यहाँ पे पेंस है, तो बस अंकल अभी वही मुझे निकाल के दे रहे हैं सारे पेंस, और ये वो लिस्ट है, और यहाँ पे कुछ पेंस आ गई है। तो देखिए कि ये भी पेन हमें दिख गई, मतलब ये अच्छी लग रही है, तो मुझे एक ट्राई करने का मन हो रहा है, तो देखते हैं ट्राई करके। सो ये मैंने ट्राई करके तो देखी, बट मुझे इतनी कंफर्टेबल नहीं लगी, तो फिर हमने नहीं ली। आप लोगों ने बताया ना, उससे बहुत सारी पेन सिलेक्ट आई मीन है यहाँ पे, मिल गई यहाँ पे, एक ही नहीं मिली, बाकी सारी है आगे वहाँ रखी है। हाँ, मैं आपको दिखा देती हूँ, तो वो सारी ये पेन्स है। ऑलमोस्ट सारी पेंस हमें मिल गई और मुझे बहुत मजा आया, और चलिए मैं आपको घर में जाके एक एक करके दिखाती हूँ कि हमने कौन सी पेंस ली। सो अभी हम आ गए हैं पेंस लेके, चलिए तो मैं आपको सारी पेंस एक एक करके अच्छे से दिखा देती हूँ। सो कहाँ से स्टार्ट करें? सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अरे सो ये है हाउसर जर्मनी XO, देन दिस इज VS पायलट हाईटेक पॉइंट 0.5, ये है पेंटोनिक पेन, क्लासमेट ऑक्टेन, ओ आई थिंक ये जेल पेन आ गई है, कोई बात नहीं, मतलब इसमें आई मीन इस कंपनी की बॉल पेन आती है कि नहीं वो मुझे नहीं पता है, बट जिन लोगों ने सजेस्ट किया था ना, उन्होंने लिखा था ऑक्टेन पेन, तो ये वो अंकल ने दी है। अब इसमें बॉल पेन आती है कि नहीं वो मुझे नहीं पता है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, तो हम इसकी बॉल पेन ले लेंगे, ठीक है। तो ये है पेंटोनिक की ही दूसरी रिट्रैक्टेबल पेन। इस पेन का नाम कुछ यूनिक है, आई मीन इसका है रोरितो मैक्सट्रॉन रोबोटिक फ्लूइड इंक सिस्टम, एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर 3 times द जेल राइटिंग। ओके, ये भी जेल पेन है, कोई बात नहीं, इसकी बॉल पेन आती है कि नहीं वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। उनोमैक्स अल्ट्रॉन 0.7, उनोमैक्स की एक पेन वो स्काई ब्लू तो है मेरे पास, देन ये है बटरफ्लो, नाम तो सुना ही होगा आपने। नाउ लास्ट पेन इज दिस फ्लेयर इजी क्लिक, तो ये भी आप लोगों ने सजेस्ट की थी, तो ये सारी वो पेंस है जो आप लोगों ने सजेस्ट की थी। अब मैं एक एक करके इन सबको ट्राई करूँगी, और जो मुझे ऐसे कंफर्टेबल लगेगी और लिखने में अच्छे से फाएगी और स्मूथली जिससे मैं लिख पाऊँगी ना, वो पेंस हम फिर 2-3 ले लेंगे। तो मैं जो पेन से लिख रही थी ना, उसी पेन का नाम लिख रही थी, है ना अच्छा आइडिया, सो दैट आपको भी डार्क लाइट पेन किस तरह से है वो देखना हो तो पता चले। सो अभी मैंने ना सारी पेन्स ट्राई तो कर ली, वैसे लिखने में मतलब सारी ऐसे कंफर्टेबली मुझे लग रही है, और हाँ इसमें से ये जो जेल पेन है ना एक वो ब्लैक कलर की है, अंकल के पास वो पेन ब्लू कलर की थी नहीं, तो हमने सोचा कोई बात नहीं, ब्लैक एंड ब्लू मतलब कलर का तो कोई नहीं है, ब्लैक ले लिया हमने, मुझे सिर्फ उसका फ्लो एंड उसकी पकड़ने की कंफर्ट देखनी थी। तो अभी हो गया है डिनर का टाइम, तो मैं आ गई नीचे डिनर करने, तो ये है मेथी के भजिए और साथ में बन रहा है मेरा मिल्क। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी सारी चीज़ें ना आई मीन सारी जो पेन्स है ना वो पाउच में रख दूँ, तो ये है सारी पेन्स, और वो रखने के लिए पीछे जो मैंने डायरी रखी थी ना वो मैंने सोचा कि यहाँ पे रख लूँगी, तो पेन्स यहाँ पे बहुत अच्छे से आ जाएगी, वरना पेन्स इस पाउच में आ नहीं पाएगी। सो ये बहुत अच्छे से आ गई, और हाँ हाइलाइटर्स तो मैं अभी हाईलाइट कर रही थी ना, तो बुक के अंदर है आई मीन बुक के ऊपर है, बुक खुली है, और इसमें तो एज़ यूजुअल जैसे मैं वो सब रखती थी वही है, इरेजर शार्पनर वही सब रखने वाली हूँ। तो ये हो गया मेरा पाउच ऑर्गेनाइज, मतलब इसमें पेन ऑर्गेनाइज हो गई, तो पाउच तो बहुत अच्छे से अरेंज हो गया है। अब मैं लिखने वाली हूँ अपनी डेली डायरी, और फिर मम्मा बोल रहे थे कि आज मुझे हेयर ऑयल अप्लाई करके देने वाला है, तो वो करके देंगी, और बस मैं थोड़ी देर में ब्रश करके सो जाऊँगी,
तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मतलब कि कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।